हेलो एवरीवान वेलकम टू जी सेंट्रिक सो दोस्तों इन द रिस ट्रेंड्स इन गेट सीरीज में आज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं डायोड का दिस क्वेश्चन वॉज आस्क इन द गेट इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर टू जीरो टू टू सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन सर्किट एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड डी इन आर एट शोन द रेशो ऑफ द मिनिमम टू द मैक्सिमम स्मॉल सिग्नल वोल्टेज गेन गया है। आपको यहाँ पर दिया गया है। okay, थोड़ा सा विजिबल नहीं है तो मैं आपके लिए सर्किट को रिकंस्ट्रक्ट कर देता हूँ यहां पर डायोड करेक्टरिस्टिक्स हमें दिया गया बेसिकली डायउ करेंट और डायओ वोल्टेज किस तरह से एक्ट करेंगे ये यह यहाँ पर दिखाया गया अगर हम डायउ को यहां पर कंसिडर करके चलते हैं इन द रिवर्स वाइस पर्टिकुलरली तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डायोड के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप है रिस्पेक्टिवली ओपन सर्किट के तरह ट्रीट करेगा क्योंकि करंट फ्लो रहेगा इसके अंदर जीरो और जैसे ये फॉरवर्ड वाइज में आता है तो ये एक्ट करेगा एज अ पॉइंट सेवन वोल्ट बैटरी ओके मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स जो यहाँ पर दिया गया है सो वेन वेन डायोड इज इन फॉरवर्ड वाइज वेन डायोड ड वाइज ओके इट विल बी एक्ट एज पॉइंट सेवन वोल्ट सोर्स ओके और जब ये रिवर्स वाइज होगा तो ये एक्ट करेगा एज ओपन सर्किट क्लियर सर्किट में थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट कर देता हूँ आपके लिए सो दैट आपको क्लियरली ये विजिबल हो जाएगा टू किलो ओम रजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड है एक और टू किलो ओम का रजिस्टेंस यहां पर कनेक्टेड है ओके okay. और इसके थ्रू यहां पर एक डायोड कनेक्टेड है जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिया गया है ओके और इस डायोड के थ्रू यहां पर एक दो किलो ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और ये जो टर्मिनल है पर्टिकुलरली ये जो टर्मिनल है इस पर मेजर किया जा रहा है वी आउट को ओके और एट दिस टर्मिनल यहां पर अप्लाई किया जा रहा है वी इनपुट को क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन और इसमें पर्टिकुलरली आपको फाइंड करना है वेरिएशन इन आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन इनपुट इसमें आपको निकालना है रेशियो ऑफ द मिनिमम टू द मैक्सिमम स्मॉल सिग्नल वोल्टेज गेन मतलब आपको एक कंडीशन ऐसी होगी जब वोल्टेज गेन मैक्सिमम होगा ओके पर्टिकुलर कंडीशन ऐसी होगी और एक कंडीशन ऐसी होगी जब वोल्टेज गेन क्या होगा मिनिमम होगा उस मैक्सिमम मिनिमम का रेशियो आपसे पूछा है पर्टिकुलरली मिनिमम टू मैक्सिमम आपको फाइंड करना है क्लियर क्वेश्चन सभी को यानी कि हमें निकालना है यहां पर डेल डेल वी वी आउट बाय इन मिनिमम टू द डेल वी आउट बाय डेल वी इन मैक्सिमम ये दोस्तों हमें यहां पर फाइंड करना है ये क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया सर्किट आपके लिए लिख दिया है ओके डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो भी हमने यहाँ पर बात कर ली है अब इस क्वेश्चन को हमें एनालाइज करना है तो स्क्रीन को पॉज करके आप इसको नोट करें और आप चाहें तो इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें चलिए मैं अब इसे सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए देखिए इसमें अगर हम सर्किट को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो जो मैक्सिमम मिनिमम वाली बात है वो एक ही करामाती चीज़ कर सकती है वो है डायोड मतलब डायोड के अंदर ही दो संभावनाएं बन सकती हैं या तो वो डायोड ऑन होगा या डायोड ऑफ होगा तो जब डायोड ऑन होगा तब कुछ गेन आएगा डायोड ऑफ होगा, तब कुछ गेन आएगा तो उसमें मैक्सिमम होगा कोई एक मिनिमम होगा तो पर्टिकुलरली अच्छा तो हमें यहाँ पर की में निकाल, लेना चाहिए, की में निकाल लेना चाहिए जो ज्यादा होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा जो कम होगा वो मिनिमम होगा कैलकुलेट तो कर लेंगे क्लियर सभी क्वेश्चन चलिए अब स्टिल आप अभी आप सॉल्व करना चाहें तो बिल्कुल आप इसे कर सकते हैं चलिए मैं केस वन कंसिडर कर रहा हूं When diode is off, पहला case मैंने, consider किया, मैंने माना कि डायोड क्या है ऑफ स्टेट में है डायोड जब तो सर्किट किस तरह से रिप्रेजेंट होगा किलो ओम रजिस्टेंस यहां पर जो कनेक्टेड है ओके दिस इज अनदर टू किलो ओम रजिस्टेंस यहां पर अब दो सो डायोड है ऑफ कंडीशन में तो ऐसा कुछ सर्किट हो जाएगा यहां से और यहां से हम देख रहे हैं टू किलो ओम कनेक्टेड है और इस नोड पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या आउटपुट वोल्टेज वी आउट को लाइक दिस सॉरी ओके ये ये हमने लिखा और ये टर्मिनल हमारा क्या है v in है इतनी बात समझ में आ गई आपको क्लियर है सभी को देखिए यहां पर कितना है? दो ओके okay, चलिए अब एक चीज समझिएगा जो वी आउट है वो ये एक नोड हो गया उसका और यहां से एक नोड हो गया मतलब इस टू के प्लस टू के ए के अंदर डेवलप हो रहा है वी आउट वोल्टेज और वी इन अप्लाइड है ओवरऑल पूरे सर्किट पर क्लियर है ये इस ब्रांच को अब हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं है डायोड ओपन सर्किट हो गया कोई जरूरत नहीं इसकी अब हम सिंपली क्या ऐसा समझ सकते हैं कि जो वी आउट अपेयर हो रहा है वो टू के प्लस टू के सीरीज कॉम्बिनेशन के अबाउट अपेयर हो रहा है मतलब मैं चाहूँ तो इस पर्टिकुलर सर्किट को जो हमने अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया है थोड़ा सा और सिंपल समझने के लिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ध्यान देना टू ओम ये हुआ ठीक है ये नोड हुआ जिस पर हम ड्रॉप कर रहे हैं वी इन को ओके और ये टू किलोम प्लस टू किलोम यहां पर है तो दोस्तों हो जाएगा, टू के प्लस टू के सीरीज में आ जाएगा तो अब हो जाएगा ये फोर के और यहां पर ड्रॉप हो रहा है वी आउट क्लियर है सभी को अब सिंपली आप यहां से वी आउट बाई वी इन का रेशियो निकाल सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं वोल्टेज डिविजन रूल क्या लिखेंगे वी आउट इज इक्वल टू वी इन Into this 4K by 2K plus 4K. थोड़ा सा दिमाग लगाते तो हम आसानी से तो हो गया आपके पास वी आउट बाय वी इन का रेशो और अगर हम इनका वेरिएशन भी करस्पॉन्डिंगली डिफाइन करते हैं तो यह आ जाएगा वी आउट बाई वी इन इज इक्वल टू कितना बोलो फोर अपॉन सिक्स मीनस कितना टू टू बाई थ्री यस टू बाई थ्री यहां पर ही यह ऑप्टेन हो गया दोस्तों क्लियर है सभी को ये पहली कंडीशन में हमने ऑप्टेन किया जब हमने डायोड को क्या माना है ऑफ स्टेट में मान के चल रहे अब बात कर लेते हैं डायोड जब ऑन स्टेट में होगा तो यह क्या होगा देखिए सर्किट सेकेंड केस में चलो यहीं पर लिखता हूं इसके साथ में समझ में आएगा जिससे चलिए केस सेकेंड हमने माना इस कंडीशन में व्हेन डायोड इज ऑन व्हेन डायोड इज ऑन दोस्तों जब डायोड ऑन स्टेट में होगा तो ये बन जाएगा पॉइंट सेवन वोल्ट की बैटरी देखिए जैसा कि यहां पर दिखाया गया इट बिकम्स पॉइंट सेवन वोल्ट बैटरी वेन इट इज इन द रिवर्स वाइज जीरो ओके करंट मतलब ओपन सर्किट अब ये फॉरवर्ड वाइज है तो ये एक्ट करेगा कैसे एज ए पॉइंट सेवन वोल्ट बैटरी ये टू किलो ओम रजिस्टेंस यहां पर होगा एक और टू किलोम रजिस्टेंस जो यहां पर कनेक्टेड है दोस्तों अब यहां पर डायोड बन चुका है ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस पॉइंट की बैटरी बैटरी की पोलरिटी में गड़बड़ मत कर देना टू किलो ओम क्लियर है सभी को और यहां से यहां तक हमने पॉइंट सेवन वोल्ट और दोस्तों यहां पर जो वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो रहा है वो है वी आउट और यहां से हम अप्लाई कर रहे हैं क्या वी इन को इतनी बात समझ में आ गई सभी को क्लियर है कोई कंफ्यूजन गुंजाइस यहां तक नहीं चलिए अब एक चीज समझिएगा सर्किट लॉ बन गया नेटवर्क थ्योरी का एनालॉग यहां पर कंप्लीट हो गया जैसे वोल्ट बैटरी बनाया अब ये क्वेश्चन सर्किट का तो हम चाहे तो ऐसा कर सकते हैं कि चलो भाई यहां से करंट आई गया इन हुआ यहां पर इसके दो हिस्से हो गए लाइक आई वन इधर चला गया आई टू इधर चला गया फिर से इधर आके जुड़ गए दोनों फिर से आई इधर हो गया यहां से करंट आई लीव कर गया मतलब जितना करंट इन हुआ उतना ही करंट यहां पर आउट हो गया अब हम केवीएल की इक्वेशन लगा सकते हैं वोल्टेज लॉ देखिए क्या होगा यहां से आपने चलना शुरू किया अब हम यहां से जा सकते हैं वोल्ट की बैटरी से और ये टू कैसे होते हुए ऐसे क्या हम ऐसे वी इन की एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं बोलो यस और नो लिख सकते हैं बिल्कुल ये कंप्लीट हो गया ना केवीएल सो क्या होगा इक्वेशन देखिएगा ध्यान दीजिए इक्वेशन क्या बनेगी पहली इक्वेशन में लिख रहा हूं माइनस वी इन प्लस टू इंटू आई किलो में प्लस पॉइंट सेवन ये वाला बैटरी प्लस टू इंटू आई क्या इक्वेशन बन रही है पहली हमने यहाँ पे लिख दी चलिए अब हम एक और इक्वेशन यहां पर बना सकते हैं ऑब्वियसली जो कि किसके रिस्पेक्ट में बना सकते हैं इस आउटपुट टर्मिनल के रिस्पेक्ट मतलब यहां पर मैं एक और केवीए बना सकता हूं क्या इक्वेशन बनेगी बोलो माइनस वी आउट प्लस ये पॉइंट सेवन प्लस क्या टू आई इज इक्वल टू जीरो क्या मैं यहां से i की वैल्यू ले जाके इसमें रख दू इक्वेशन वन में इक्वेशन टू इसको मान लेता हूं तो हमारे पास पूरी इक्वेशन जो है वो इन द टर्म्स ऑफ v इन v आउट आ जाएगी करेक्ट है चलिए फिर हमें रिलेटिव वेरिएशन निकालना है दोनों को आसानी से आंसर कर पाएंगे देखिए अब यहां से टू आई की वैल्यू ही निकाल लेते हैं ना द्याो वी आउट माइनस पॉइंट सेवन टू आई प्लस टू आई है तो यहां से हमने लिखा v इन इक्वल टू ये है पॉइंट सेवन प्लस टू आई की वैल्यू कितनी है v आउट माइनस पॉइंट सेवन अब ये फोर आई है तो हम लिखेंगे टू इन टू वी आउट माइनस पॉइंट सेवन इतना करेक्ट लिखा है कि नहीं ये बताओ ओके है इतना अंडरस्टूड है सभी को चलिए अब देखिए ध्यान दीजिए v इन इक्वल टू हमारे पास आ गया टू वी आउट ये टू का मल्टीप्लाई इसमें किया माइनस देखिए टू इंटू पॉइंट सेवन मतलब करूं तो यह आ जाएगा वी आउट इक्वल टू वन बाई टू टाइम्स ऑफ वी इन प्लस पॉइंट सेवन बाई टू क्या सही लिखा है दिस इक्वेशन इज ओके और नॉट थ्री अब ध्यान दीजिए अब यहां से गलती नहीं होनी चाहिए यहां से एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है जहां पर जनरली लोग मिस्टेक कर देते हैं अब हमें ये क्वेश्चन मिल गई अब हमें कंफ्यूजन हो गया आप क्या करना चाहिए आगे? अब आपको क्या पूछा है देखो वी आउट अपॉन वी इन नहीं पूछा है हमें क्या पूछा है डेल वी आउट बाय डेल वी इन

ओके कांस्टेंट टर्म है तो आपके पास आएगा डेल वी आउट बाय डेल वी इन इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों देखिए पहले वाले केस में कितना आया था टू बाई थ्री आई ये क्या है मिनिमम वो हो जाएगा मैक्सिमम तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये हो गया आपका मिनिमम गेन मिनिमम स्मॉल सिग्नल गेन स्मॉल सिग्नल वोल्टेज गेन जो भी बोला गया स्मॉल सिग्नल वोल्टेज गेन ये हुआ मिनिमम वोल्टेज गेन ओके कितनी वैल्यू आई इसकी नोट इसको लिख लें केस on, पहले यहां से लिखें. इतना, ये लिख लें. को बना लें इसको फिर इसको लिखें पूरा यहां तक लिखा सभी ने कंप्लीट है चलिए अब आगे आए इधर यह भी लिख लें जल्दी से अब देखिए यहां पर ये क्या होगा टू बाई थ्री यहां पर क्या है दोस्तों ये है मैक्सिमम स्मॉल सिग्नल वोल्टेज गेन ये है मैक्सिमम वैल्यू स्मॉल सिग्नल वोल्टेज गेन अब ये है मैक्सिमम वैल्यू ये है मिनिमम आपसे पूछा है मैक्सिमम अपॉन मिनिमम और मिनिमम अपॉन मैक्सिमम ये पूछा है मिनिमम अपॉन मैक्सिमम यानी कि यहां पर हम लिखेंगे डेल वी आउट बाय डेल वी इन मिनिमम डिवाइडेड बाय डेल वी आउट बाय डेल वी इन मैक्सिमम इट्स गुड क्वेश्चन एक्चुअली ओके? अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट पूछा गया है ओके तो मिनिमम है दोस्तों वन बाई टू मैक्सिमम है टू बाई थ्री रीअरेंज करेंगे तो आ जाएगा थ्री बाई फोर आंसर हो जाएगा पॉइंट सेवन फाइव दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन होपफुली so आप लोगों ने जिन्होंने सॉल्व किया होगा सेम आंसर जनरेट किया होगा कोई बात नहीं अगर आपने नहीं भी किया है एक्सप्लेन हाँ किया है कोशिश की है बहुत सिंपल पॉसिबल भी मैं आपको ये चीज समझ में चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में जहां पर हम बात करेंगे बीजेटी के क्वेश्चंस की तो डायोड के रिसेंट तीन ईयर्स के क्वेश्चंस मैंने आज की क्लास तक यहां पर कंप्लीट कर दिए बीस इक्कीस बाईस में अगर आप देखें इसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन तो इसकी पूरी पैटर्न स्टडी हमने कोशिश की कि आपको समझ में किस तरह के क्वेश्चन यहां पर बन रहे और साथ में उनका डिस्कशन भी हमने कंप्लीट किया सो so, मिलते हैं अगली क्लास में जहां पर बात करेंगे बीजेटी के क्वेश्चंस की बारे में सो दैट्स विल बी इनफ फॉर द टुडे सेशन थैंक यू